वर्षा जी, स्वागत है आपका। मैम, हाँ जी मैम। मैं बहुत देर से आपकी कॉल का इंतजार कर रही थी, तो जी वर्षा जी, हाँ आपकी कॉल कट भी गई थी। जी हाँ जी 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 माफ कीजिए, मैं मैम, उसके लिए बताएं, भाई सवाल सर को करें। मेरी नमस्कार। जय हाँ सर जी, आपको नमस्कार। जय, आपका हाँ स्वागत है। हाँ सर जी, मैंने ना आपसे दवाइयाँ काफी देर से मैं जुड़ी हुई, 2-3 साल से मैं दवाइयां तो ले रही हूँ। गांव में भी काफी लोगों को फर्क पड़ा है, जिस उनको मैंने गोंद या मंगा के दिया, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द वगैरह, जिसकी प्रॉब्लम के लिए, तो काफी को फर्क पड़ा, बहुत आराम आया सबको। तो मैं कंटिन्यूसली, मैंने बोला मैंने सारी उम्र इसी को रखूं, अगर दवाई को तो कोई नुकसान तो नहीं होगा बड़ा अच्छा गोंदिया सवाल। को। ठीक है मैम। और दूसरा मेरा सवाल ये है मैम, मेरा पेट जो ना एक टाइम में साफ नहीं होता, दिन में मुझे 5-6 बजे जाना पड़ता है और लूज रहता मेरा पेट। और मैं गोंद, मैंने गोंद मिरिंगा भी मंगाया, वो भी ले रही हूँ, गोंद सिया और जैतून का सिरका भी ले रही हूँ, जैतून का नमक भी ले रही हूँ, और अपना गोंद सिया, गोंद जैतून का नमक और जैतून का सिरका ये भी ले रही हूँ। जैतून का सिरका मेरा खत्म हो रहा है, अभी हफ्ते का है, मैं अभी दोबारा फिर मंगवा रही हूँ 2 बोतल में अपने दराने के लिए और अपने लिए। मेरा एक पेट लूज नहीं लूज रहता, दूसरा ये 4-5 बारी साफ जाना पड़ता है मुझे, और ठीक दूसरा मेरे को बीपी की शिकायत है, वो भी जो ना शाम को हो जाती है, हाई हो जाता है बीपी। तीसरा है मेरे हाथ की उंगलियां ना अंगूठे के साथ वाली, ये सुन रहती है, 3 साल हो गए हैं, और मेरे को 3 महीने से मैं गई, मैं गोंद सिया तो मैं कंटिन्यूस 8-9 महीने से ले रही हूँ, पर अभी तक फर्क नहीं। आप फिर सुन होने शुरू हो गए, सर्दियों में शुरू हो जाती है ये सुन होने। ठीक है। ठीक। हाँ देखिए, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो सर अक्सर हम क्या होता है कि अपना फ़ायदा करके घर में बैठ जाते हैं, लेकिन जब से मैंने आप लोगों से ये सिफारिश की है कि इस फ़ायदे को अपने तक ना रखें, तो आप जैसी महिलाएं बहुत लोगों तक इसके फ़ायदे पहुंचा रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, और यकीनन भगवान भी आपसे इस बात पर बड़ा खुश होगा। अच्छा देखिए, हाथ ये वाला हो या ये वाला हो, इसकी अगर उंगलियां सुन्न होती हैं या दर्द होता है, दर्द भी आता है इसमें, खिंचाव भी आता है, उंगलियों में आ जाता है, यहाँ आ जाता है, मोंढे में आ जाता है, तो ये यहाँ नस दबती है। तो इसके लिए जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, तो वो ये है कि ये एक्सरसाइज रोज़ाना 3 मिनट कम से कम करें। देखिए जैसा मैं कह रहा हूँ कर रहा हूँ ऐसे, और 3 मिनट ये पूरी तरह, बहुत पूरी तरह इसे बिल्कुल घुमा दें, ये यहाँ तक आ जाती है घुमा के। और मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने 15 दिन लगातार किया हो एक्सरसाइज ईमानदारी से। ईमानदारी से मतलब है टाइम देख के करें, ऐसे नहीं 2-4 बार किया सोचा 3 मिनट हो गया। चाहे ये 6 मिनट एक्सरसाइज आप 6 किस्तों में करें, एक एक मिनट करके करें, आधा आधा मिनट करके करें, लेकिन एक दिन में 6 मिनट हो जानी चाहिए या उससे ज़्यादा करें। और जिनको इससे भी फायदा ना हो, वो ऐसे बेड पर ऐसे लेट जाएं ऐसे, और ये गर्दन नीचे लटका लें बेड से, और बाकी शरीर ऐसे सीधा रहे, ऐसे 5-5 मिनट 5 बार एक दिन में करें। तो मैंने अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा कि इससे उसको फ़ायदा ना हो। आप करके ज़रूर देखें लगातार 15 दिन, मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा नज़र आएगा। गौन सिया आप जब फ़ायदा हो जाए पूरा, तो कभी खा लिया कभी नहीं खाया, और अभी फ़ायदा पूरा नहीं है तो लगातार भी आप और भी खा सकते हैं। और वही कि वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, यकीनन आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, पेट साफ नहीं हो पाता और पेट लूज सा रहता है। देखिए पेट का भी अजीब मसला है कि बहुत सारी दवाएं भी हैं पेट की, लेकिन पेट का सिस्टम अच्छा करने के लिए हमें, अगर किसी भी दवा से काम नहीं चल रहा है, तो ये करें कि मार्केट में बेल का मुरब्बा मिलता है, वो पीसीस होते हैं इतने बड़े बड़े, तो
उसको काट दें बीच में से, और आधा सुबह खाएं आधा शाम को खाएं, और ये दवाएं जारी रहने दें, बहुत जल्द आपका ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है।